नमस्कार, मेरा नाम सोनू कुमावत है और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को एग्रीकल्चर एवं हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लेटेस्ट अपडेट एवं एक अच्छी क्वालिटी के जो हैं स्टडी मटेरियल वीडियो फॉर्म में मिल सकें। थैंक यू। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोमोलॉजी। पोमोलॉजी बोले तो फ्रूट साइंस। फ्रूट साइंस के अंदर जितने भी फ्रूट हैं अपने सिलेबस में उन सब की स्टडी अपन वन बाय वन करेंगे। इसी कड़ी में अपन सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं बनाना से। नंबर वन है बनाना। बनाना आप लोग जानते ही होंगे कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला फ्रूट है, यानी कि जितने भी फ्रूट्स इंडिया के अंदर होते हैं तो प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पर बनाना ही है, ध्यान रखिएगा। और कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है ना, अपने को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। बनाना को शुरू करें इसकी बेसिक जानकारी और इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में काफ़ी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, वही रिपीट होगी, तो आप साथ ही साथ मुझे बताते रहना कि इसका बॉटनिकल नाम क्या होता है। म्यूसा पैराडिसिका। म्यूसा पैराडिसिका। अब म्यूसा पैराडिसिका जो है ये आप लोग जानते हैं, इस फैमिली कौन सी है, म्यूजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब म्यूसा पैराडिसिका जो है ये एक तरह से इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 33, यानी कि ये ट्रिप्लोइड है, समझ रहे हैं। ये जो अपने वाला बनाना है जो अपन खाते हैं ये ट्रिप्लोइड बनाना है ना, ये सीडलेस होता है। इसके अलावा जैसे म्यूसा पैराडिसिका है, इसकी और भी कई सारी स्पीसीज हैं। जैसे एक आदि मैं ऐसे ही बताऊं तो जैसे कि म्यूसा बेसजू। म्यूसा बेसजू जो स्पीसीज है उसका यूज जनरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर आप यूं कह सकते हो कि फाइबर इंडस्ट्री। म्यूसा बेसजू, इसी की तरह और भी इसकी कई सारी प्रजातियां, जैसे कि आपकी म्यूसा बल्बेसियाना या बल्बिसियाना या फिर म्यूसा अक्यूमिनाटा, है ना। बट ये जो है ये स्पीसीज जनरली डिप्लॉइड है और अपना वाला बनाना जो है वो ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड। और इन सब के क्रोमोसोम नंबर होते हैं 22। अरे भाई, डिप्लॉइड का मतलब 22 है और जनरली ये अपने वाला जो है ये ट्रिप्लॉइड होता है, ये सीडलेस होता है। जितने भी ट्रिप्लॉइड फ्रूट वेजिटेबल होते हैं वो सीडलेस होते हैं। एक क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है, जैसे कि आजकल जो वाटरमेलन आ रहा है तरबूज, सीडलेस तरबूज जो आ रहा है, जैसे एक वैरायटी है पूसा बेदाना, तो सीडलेस जो वाटरमेलन होता है वो भी ट्रिप्लॉइड होता है, ध्यान रखना, ये ICAR में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। इसकी एक वैरायटी ऐसी आप ध्यान रखें जो कि डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड वैरायटी। लेडी फिंगर। लेडी फिंगर एक वैरायटी है जो डिप्लॉइड है बनाना की, बाकी सभी वैरायटीज हैं वो सारी की सारी ट्रिप्लॉइड पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखो आगे ओरिजिन कहाँ पे है, तो बनाना का ओरिजिन है इंडो मलाया रीजन, इंडो मलाया या फिर आप ऐसे कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जो इंडिया जो है, इंडिया के इधर वाला रीजन, ये इंडिया है मान लो, और इंडिया के इधर म्यांमार और नीचे इंडोनेशिया, ये जो रीजन है वो वाला रीजन साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है, जहाँ पे वो पूरा का पूरा अपने बहुत सारे एसोसिएशन भी बने हुए हैं। जब कभी अपन वर्ल्ड मैप पे बात करेंगे सारे सारे सेंटर ऑफ ओरिजिन तब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना इंडो मलाया या फिर साउथ ईस्ट एशिया। बनाना का फ्रूट टाइप कौन सा होता है, तो फ्रूट टाइप आप जानते हो बेरी होता है, ठीक है। और एडिबल पार्ट क्या होता है, तो बनाना का जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है एंडोकार्प प्लस मेसोकार्प,
एंडोकार्प प्लस मेसोकार्प। अपन ने अलग से ही एक लेक्चर ले रखा है इडिबल पार्ट्स के ऊपर ही, तो आप लोग जानते ही होंगे इडिबल ये एंडोकार्प क्या होता है और मेसोकार्प क्या होता है, ठीक है। इसके अदर नेम मतलब कौन कौन से हैं वो भी अपन देखते हैं। तो अदर नेम के अंदर यानी कि बनाना को अपन और क्या क्या कह सकते हैं, सबसे पहले अपन कह सकते हैं एडम्स फिग, एडम्स फिग यानी कि देवताओं का अंजीर ऐसे कहें तो एडम्स फिग। इसके अलावा इसको ट्री ऑफ हेवन या फ्रूट ऑफ हेवन कह सकते हैं। इसके अलावा इसको फ्रूट ऑफ या एप्पल ऑफ पैराडाइज ना, यानी कि ये ऐसे स्वर्ग का या एक तरह से देवताओं का फल या देवताओं का सेब इसको कह सकते हैं। इसके अलावा इसे हिस्टोरिकल फ्रूट भी कहते हैं, हिस्टोरिकल फ्रूट, या फिर इसे कल्प तरु भी कहते हैं, है ना, कल्प तरु, कल्प तरु। एक और वर्ड आएगा कल्प वृक्षा, आप लोग जानते हो कल्प वृक्ष अपन कोकोनट को बोलते हैं। तो ये अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा अब इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देखो, सबसे पहले आप देखें कि बनाना सोर्स किसका है, तो सोर्स ये है कार्बोहाइड्रेट का, आप लोग जानते ही हो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स कौन सा है, ये क्वेश्चन पहले आईसीआर के अंदर पूछा जा चुका है। लगभग इसमें 27% के आसपास जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा मोनोकोट होता है, ये जानते ही हो आप, मोनोकोट प्लांट अपने स्टार्टिंग में देखा। मोनोकोट कौन कौन से हैं, जैसे बनाना है, डेट पाम है, कोकोनट है, पाइनएप्पल है, ये सारे के सारे मोनोकोट हैं। बाकी बचे जो सारे के सारे क्या हैं, डाइकोट्स हैं। इसके अलावा ये हर्बेसियस प्लांट है, हर्बेसियस प्लांट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो इसका स्टेम होता है इसमें वुड या लकड़ी नहीं होती है ना, हर्ब है एक तरह से। इसके अलावा ये आपका पेरेनियल प्लांट है, पेरेनियल का मतलब ये बहुवर्षीय है एक तरह से, ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो से ज़्यादा सीजन लगाता है, पूरा का पूरा एक साल लगता है लगभग, वन ईयर, ठीक है। तो ये पेरेनियल हो गया। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये मोनोकार्पिक फ्रूट है, ध्यान रखना, मोनोकार्पिक फ्रूट या मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार जो है फ्रूट देते हैं, एक ही बार उनमें फ्रूटिंग होती है फिर ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें मोनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो मोनोकार्पिक फ्रूट के अंदर बनाना के अलावा जैसे पपाया है, तो पपाया भी एक तरह से मोनोकार्पिक हो गया, बनाना तो है ही अपन पढ़ ही रहे। इसके अलावा पाइनएप्पल, तो ये सभी सभी क्या है, मोनोकार्पिक फ्रूट है। मोनोकार्पिक का मतलब है ओनली बियर फ्रूट्स वंस इन देयर लाइफ, इनकी लाइफ में केवल एक ही बार इनमें फ्रूटिंग होती है फिर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहेंगे अपन मोनोकार्पिक फ्रूट। म्यूसा पैराडिसिका कहते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका या साइंटिफिक नाम बोटनिकल नेम, म्यूजेसी फैमिली है, क्रोमोजोम नंबर 33। म्यूसा पैराडिसिका जो ट्रिप्लॉइड होता है और इसकी एक डिप्लॉइड वेराइटी है जिसका नाम है लेडी फिंगर। ओरिजिन है इंडो मलाय, फ्रूट टाइप बेरी, इडिबल पार्ट है एंडोकार्प प्लस मेसोकार्प, अदर नेम इसमें एडम्स फिग, फ्रूट और एप्पल ऑफ पैराडाइज, हिस्टोरिकल फ्रूट या फिर ट्री ऑफ हेवन इसे कह देते हैं। म्यूसा बेस जो जो स्पीसीज हैं ये जेआरएफ के अंदर पूछा जाता रहता है कि ये स्पीसीज क्या है, तो इस स्पीसीज का यूज़ जनरली टेक्सटाइल और फाइबर इंडस्ट्री में करते हैं, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। इसके अलावा म्यूसा बल्बेसियाना या म्यूसा एक्यूमिनाटा, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है आईसीआर में आया हुआ क्वेश्चन है, मोनोकोट प्लांट है, हर्बेसियस पेरेनियल और मोनोकार्पिक फ्रूट है, ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब जो है अपन आगे बढ़ रहे हैं, आगे ऐसे बढ़ेंगे,
अब देखिए मैं यहाँ पे बनाना का प्लांट बना देता हूँ ऐसे। ये मान लो कि बनाना है, ये इसकी ऐसे लीव्स मान लो, ये ऐसे। अब अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें राइजोम होता है जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, तो ऐसे समझ लेते हैं कि ये मान लो कि इसका अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो ऊपर वाला जो ये जो स्टेम देख रहे हो आप, ये एक्चुअली फॉल्स स्टेम है, ये ट्रू स्टेम नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये जो स्टेम देख रहे हो ये एक तरह से एरियल स्टेम कहते हैं, ये जानते ही हो, इसको अपन एरियल स्टेम कह सकते हैं, यानी कि जो वायवीय तना, ठीक है। और इस एरियल स्टेम को अपन कहते हैं शूडो स्टेम, शूडो स्टेम, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। शूडो स्टेम, ये ऊपर वाला जो स्टेम देख रहे हो आप जो कि ग्राउंड से ऊपर है, ये पूरा का पूरा ये एक्चुअल स्टेम नहीं है, ये जो लीव्स हैं उनका मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अपन तो ऐसे कह सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है ना, इसे अपन शूडो स्टेम कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले आईसीआर के अंदर पूछ रखा है कि जो अबव ग्राउंड लेवल जो आपका स्टेम होता है उसे क्या कहते हैं, तो शूडो स्टेम कहते हैं, ये ध्यान रखना, आईसीआर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जो अंडरग्राउंड स्टेम देख रहे हो इसे अपन ट्रू स्टेम कहते हैं, सत्य तना है ना, जो अंडरग्राउंड है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसे अपन ट्रू स्टेम कहते हैं, जिसे जिसका नाम है राइजोम, ये अपना पहले पढ़ा हुआ है, यह है राइजोम, ध्यान रखिएगा। और इसका प्रोपगेशन अपन ने देखा था कि अब यहाँ से जो इस राइजोम के आसपास से जो सकर्स निकलेंगे ना, ये फिर सकर्स की बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है, ये सकर्स निकलेंगे। सकर्स ऑप्शन में नहीं होने के केस में पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रोपगेशन बनाना का किससे होता है, तो राइजोम से होता है, अगर सकर्स ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक है। तो ये अपनी से बेसिक जानकारी हल्की सी रहेगी कि ऊपर वाला स्टेम चूडो स्टेम है जो कि लीव्स का मॉडिफिकेशन है जो कि एरियल वाला, और ट्रू स्टेम है वो क्या है आपका, राइजोम है। अब इसके इन्फ्लोरेसेंस की अपन बात कर लेते हैं, यानी कि जो पुष्प क्रम होता है इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस में आप समझते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह की जो भी ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी, ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर होगी ना, इसके ऊपर फिर बनाना लगेंगे ऐसे, ये आपका स्पेडिक्स कहलाता है ना, इस इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं स्पेडिक्स। और स्पेडिक्स आप लोग समझते ही हो, स्पेडिक्स की स्ट्रक्चर हमेशा ऐसी होती है इस तरह से, ये ऐसे माने आप, ये स्पेडिक्स की एक तरह से संरचना होती है ना, इस तरह से। अब यहाँ अंदर जो है फ्लावर आते हैं, यहाँ ऐसे मान लो कि यहाँ पे फिर फ्लावर आ रखे हैं, इस फ्लावर को आप फीमेल फ्लावर मान लो है ना, और इधर जो फ्लावर है इसको आप बाईसेक्सुअल फ्लावर मान लो, इसी तरह से फ्लावर आते हैं बनाना के अंदर, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा ये अंदर वाला स्पेडिक्स देख रहे हो, ये इस तरह की संरचना, ये जो डंडा देख रहे हो बीच वाला जो स्टॉक है, ये एक इस ब्रेक्ट से ढका हुआ है, ये जो है ब्रेक्ट है एक तरह से, और इस ब्रेक्ट को अपन कहते हैं स्पेथ है ना। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये सारे के सारे स्पेथ नुमा एक स्ट्रक्चर से ढके हुए रहते हैं, उस इन्फ्लोरेसेंस को अपन स्पेडिक्स कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस वाला पूरा का पूरा आप चैप्टर पढ़ते हो जिसमें रेसिमोस एक ग्रुप है, साइमोस एक ग्रुप है ना, उसी तरह से स्पेडिक्स भी एक स्पेशल फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। अब एक ट्रिक बताऊं मैं, बनाना के अंदर तो स्पेडिक्स होता ही होता है, या आईसीआर में पूछ रखा है क्वेश्चन कि इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है और स्पेडिक्स किस किस में होता है, एक ट्रिक से याद करा रहा हूं मैं, ठीक है। ट्रिक है ए बी सी डी, ए का मतलब है अरेकानट, अरेकानट बोलते हैं सुपारी को, अरेका कटेचू अरेसी फैमिली में, उसके अंदर भी स्पेडिक्स होता है। बी का मतलब बनाना, बनाना के अंदर भी स्पेडिक्स हैं, और कोकोनट, तो कोकोनट के अंदर भी क्या है, स्पेडिक्स है, ठीक है। और इसका मतलब होता है डेट पाम,
तो डेट पाम के अंदर भी क्या होता है अपना स्पेडिक्स होता है। तो ये स्पेडिक्स किस किस में होता है ये याद रखने की ट्रिक है एक तरह से, ए बी सी डी, अरेका नट, बनाना, कोकोनट एंड डेट पाम, इन सब के अंदर क्या होता है स्पेडिक्स, तो ध्यान रखिएगा। अब बनाना की अपन पर्टिकुलर बात करें तो इसका जो इन्फ्लोरसेंस होता है उसके अंदर फीमेल फ्लावर भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। और आप अपना टाइप्स ऑफ फ्लावर का लेक्चर याद करिए, एक सिंगल प्लांट के ऊपर या एक ही इन्फ्लोरसेंस में फीमेल भी हो और बाइसेक्सुअल भी हो, यानी एक ही प्लांट है, इसका मतलब मोनोसियस होगा और फीमेल का अपने को ध्यान रखना है तो वो क्या हो जाएगा गाइनो मोनोसियस। तो बनाना का जो इन्फ्लोरसेंस होता है वो होता है गाइनो मोनोसियस। गाइनो मोनोसियस ध्यान रखना, ठीक है। और मैंगो का कौन सा होता है एंड्रोमोनोसियस, अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। गाइनो मोनोसियस का मतलब यही है कि फीमेल प्लस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट या सेम इन्फ्लोरसेंस, ये बात हो गई, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं और आगे यहाँ पर फिर देखो कि क्लाइमेट कौन सा है। तो बनाना आप लोग जानते ही हो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फ्रूट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ग्रो ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए टेम्परेचर मैंने कितना बताया, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये रेंज पूछी जाए तो, अगर वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पूछा जाए तो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सबसे लग्जरियस ग्रोथ होती है। सॉइल की अपन बात करें तो सॉइल में कुछ भी लोड लेना जैसा नहीं है, बिल्कुल जिसका पीएच 6.5-7.5 हो वहाँ इसकी बढ़िया से इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी सॉइल एसिडिक है ना, इन एसिडिक सॉइल यानी कि मोर एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल के अंदर एक डिजीज हो जाता है जिसे अपन कहते हैं पनामा विल्ट, इसलिए ध्यान रखना कि सॉइल एसिडिक नहीं हो। एसिडिक सॉइल हुई तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी, वहां बीमारी हो जाएगी, कौन सी, पनामा विल्ट डिजीज, जो कि एक फंगल है, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम वाले फंगस से होता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्फ्लोरसेंस को स्पेडिक्स कहते हैं और एरियल स्टेम को अपन स्यूडो स्टेम कहते हैं। अगर एसिडिक सॉइल है तो उस केस में आपके पनामा विल्ट नामक डिजीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब अपन जो है इसमें आगे बढ़ रहे हैं, अब इसमें इंस्टीट्यूट देख लो। इंस्टीट्यूट में अपन ने पढ़ रखा है कि एनआरसी बनाना कहाँ पे है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, तो ये आपका ट्रिची तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, ट्रिची तमिलनाडु। अब इसके प्रोडक्शन की बात करो तो प्रोडक्शन के मामले में अगर अपन वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया की फर्स्ट रैंक है, ठीक है, इन वर्ल्ड इंडिया की रैंक फर्स्ट है, इंडिया रैंक फर्स्ट, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। और इंडिया के अंदर जनरल तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे, जब नए लेटेस्ट आंकड़े आ जाएंगे तब मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट इन इंडिया, इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट का मतलब ये है अमंग ऑल फ्रूट्स, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी फ्रूट अपने प्रोड्यूस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका हो रहा है, बनाना का, ऐसे समझो इसको। इधर तो मैं लिख लेता हूँ एरिया और इधर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन, ठीक है। तो एरिया के मामले में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया है मैंगो का, ठीक है, मैंगो जो क्रॉप है वो सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर ग्रो की जाती है। उसके बाद में जो एरिया है सेकंड नंबर पे वो है सिट्रस, ठीक है, और उसके बाद में एरिया है आपका बनाना, यानी कि बनाना एरिया के मामले में तो थर्ड नंबर के ऊपर है और प्रोडक्शन के मामले में है बनाना फर्स्ट रैंक,
ठीक है। उसके बाद में बनाना प्रोडक्शन के मामले में है मैंगो एंड देन है सिट्रस, ये ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी फ्रूट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, एरिया के मामले में तो है मैंगो फर्स्ट नंबर पे, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, तो प्रोडक्शन होता है बनाना का, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, अब प्रोपगेशन देखो, प्रोपगेशन आप लोगों का पहले पढ़ा हुआ है कि बनाना के अंदर जो कॉमर्शियल प्रोपगेशन होता है वो स्वॉर्ड सकर्स के थ्रू होता है ना, ये जानते ही हो, पहला है बाय स्वॉर्ड सकर्स, और एक सिंगल स्वॉर्ड सकर्स का आइडियल वेट कितना होना चाहिए ये भी मैंने बता रखा है आप लोगों को, 500 टू 750 ग्राम, ये आइडियल वेट है सिंगल सकर का। बनाना के अंदर दो तरह के सकर्स होते हैं, ये अपना पहले पढ़ा हुआ है, एक तो ऐसे सकर्स होते हैं जिनके ऐसे ब्रॉड लीव्स होती है, छोटी छोटी पत्तियाँ, और एक ऐसे प्लांट निकलते हैं जिनके ऐसे नैरो लीव्स होती हैं, ऐसे है ना तलवार जैसी, और तलवार को अंग्रेजी में अपन कहते हैं स्वॉर्ड, तो इसीलिए इनका नाम तो है स्वॉर्ड सकर्स, और इन्हें अपन कहते हैं वाटर सकर्स। ठीक है, ऐसे तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई सकर्स तो सकर्स करना, स्वॉर्ड सकर्स दे रखा तो स्वॉर्ड सकर्स करना है ना, तो ये स्वॉर्ड सकर्स ही अपन प्रोपगेशन के लिए यूज़ करते हैं, लगभग 11-12 महीने में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आजकल टिश्यू कल्चर से भी इसका प्रोपगेशन हो रहा है, टिश्यू कल्चर से एक वेराइटी भी डेवलप कर रखी है जिसका नाम है G9 या फिर ग्रैंड नैने। ठीक है, हाँ, अब प्रोपगेशन के बाद अब प्लांटिंग देख लो, प्लांटिंग में ज़्यादा है कुछ नहीं वैसे, प्लांटिंग टाइम जून जुलाई है, जून जुलाई के अंदर आपको या मई जून के अंदर ही आपको पिट खोद करके तैयार कर लेने, फिर जून जुलाई के अंदर इसमें सोइंग कर देनी है, ठीक है, या प्लांटिंग कर देनी है। ठीक है, पिट साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो पिट साइज़ में अपने को ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है, 15x50x50 सेंटीमीटर नहीं पूछा जाएगा, डिस्टेंस पूछी जाएगी आर इन टू पीट क्या है, यानी कि रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखोगे 2x2 मीटर, यानी 2x2 मीटर के ऊपर आपको प्लांटिंग करनी है, लाइन से लाइन और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वर्ल्ड में इंडिया की फर्स्ट रैंक है, और इंडिया के अंदर जितने भी फ्रूट होते हैं उनमें प्रोडक्शन बनाना का ज़्यादा होता है और एरिया आपका मैंगो का ज़्यादा है। कॉमर्शियल प्रोपगेशन शॉर्ट सकर्स के थ्रू होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर सकर्स नहीं हो उस केस में राइजोम करना है, बस इतना ही। अब अपन नेक्स्ट इसी में देखते हैं क्या है, अब कुछ इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं जिनका अपने को ध्यान रखना है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंटरकल्चरल ऑपरेशन में पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे है प्रोपिंग, अब प्रोपिंग का मतलब कुछ नहीं है, ये कोई भी प्लांट है, इस प्लांट में मान लो कि ये फ्रूटिंग ऐसे हो रखी है, ये स्पेडिक्स लगा हुआ, इसके ऊपर बहुत सारे बनानास लगे हुए हैं, है ना, अब ये इधर वेट बढ़ने से ये क्या होगा, यूं ऐसे झुक जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, तो इसे झुकने से या नीचे गिरने से रोकने के लिए यहाँ पे अपन क्या कोई देसी जुगाड़ या फिर कोई लकड़ी से या फिर कोई प्लास्टिक के पाइप से यहाँ सपोर्ट दे देंगे, तो इस सपोर्ट देने की जो प्रक्रिया है इसे अपन प्रोपिंग कहते हैं, ध्यान रखना ताकि प्लांट नीचे नहीं गिरे, तो इसका सीधा मतलब क्या है, गिविंग सपोर्ट, ऐसे ही ध्यान रख लो, गिविंग सपोर्ट। सेकेंड जो टर्म है वो है आपका डी सकरिंग, डी सकरिंग, हाँ, डी सकरिंग का मतलब ये है कि अभी अपन ने देखे थे सकर्स, तो बनाना के अंदर यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे सकर्स निकलते रहते हैं इस तरह से, ये आप सबका देखा हुआ है, ऐसे दुनिया भर के सकर्स निकलेंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या है,
ज़्यादा शक्कर शक्कर निकलते हैं, तो जो मेन प्लांट है इसको न्यूट्रिशन जो मिलने चाहिए वो मिलता ही नहीं है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट ये खींच लेते हैं, ये एक्स्ट्रा शक्कर सारे के सारे। तो यहाँ पे अपने को एक या दो शक्कर्स को रखना है, बाकी सभी शक्कर्स को हटा देना है ना। तो शक्कर्स को अपन रिमूव करते हैं, उसे अपन कहते हैं डी शक्करिंग, ठीक है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड या फिर जो अनडिजायर्ड शक्कर्स हैं उसे अपन डी शक्करिंग कहते हैं। डी शक्करिंग के लिए अपन हाथ से भी इनको उखाड़ सकते हैं ध्यान से, या कई बार 2,4-D यूज़ करते हैं, कई बार पेट्रोल या केरोसिन यहाँ पे इनके जो रूट जोन के यहाँ डाल देते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। एक या दो रखने हैं तो वो बाद में काम आएंगे, है ना। एक या दो शक्कर्स अपन यहाँ रखेंगे जो नेक्स्ट ईयर की क्रॉप में अपने काम आएंगे, इसे रेटोनिंग अपन कहते हैं। अभी मैं बात करता हूँ वापस, तो डी शक्करिंग का मतलब कुछ नहीं है, सीधा मैं बोल ही रहा हूँ, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं लग रही, कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड शक्कर्स। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी डीनेबलिंग। डीनेबलिंग क्या होती है? डीनेबलिंग में ऐसे समझें, ये जो स्पेडिक्स देख रहे हो आप, ये बनाना, इसके जनरली जो आगे आगे वाला पोर्शन है यहाँ पे जनरली जो है मेल फ्लावर आते हैं, मेल फ्लावर, नर पुष्प, ठीक है। तो जैसे ही इसमें पोलिनेशन कंप्लीट हो, इस स्पेडिक्स को अपन आगे से हल्का सा ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी भी यहाँ नहीं लगे और ये बचे हुए जो फ्रूट है वो ये ढंग से डेवलप हो जाए ऐसे। तो आगे वाले ऐसे मेल बर्ड को यहाँ से अपन हटा देते हैं, ठीक है। तो डी सकनिंग, ये डी नेवलिंग होती है। नेवल का मतलब यही तो होता है, नेवल का मतलब होता है मेल, ठीक है, और हटा देंगे तो डी नेवलिंग हो जाएगा, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर पोलिनेशन। जब पोलिनेशन हो जाए तब आपको क्या करना है, इस मेल बर्ड को आगे से हटा देना, आगे से हल्का सा ऐसे कट कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये डी नेबलिंग कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो नेक्स्ट, एक होती है मेटोकिंग। देखो मेटोकिंग क्या होती है, मेटोकिंग होती है इस स्टेम को, यानी कि जब आप में फ्रूटिंग हो जाए इस प्लांट में और इस स्पेडिक्स को अपन ने फ्रूट तोड़ करके लिया है, अपन ने हार्वेस्टिंग कर ली, अब इस स्टेम को अपन ऐसे कट कर देंगे, ये जो स्टेम है इस पूरे स्टेम को यहाँ से काटना है लगभग 1.6 मीटर की हाइट से, लगभग ग्राउंड लेवल से 1.6 मीटर की हाइट से इस स्टेम को अपन पूरा का पूरा काट देंगे, क्योंकि ये किसी काम का ही नहीं, बनाना मोनोकार्पिक फ्रूट है, अपन ने इस एक बार फ्रूटिंग हो गई, अपन इस स्पेडिक्स को तोड़ के घर पर लिया है, यानी बनाना जो लग रहे थे उसको लिया है, अब किसी काम का ही नहीं है, तो इसको कट कर दिया। इसको कट करने का ये फ़ायदा है कि जैसे आपका ये प्लांट था, अपन ने ये कट कर दिया ऊपर से 1.6 मीटर की हाइट से, ठीक है ऐसे। अब यहाँ अपन ने एक दो शक्कर्स रखे हुए हैं, ये मान लो कि कोई भी शक्कर्स है, तो अब ये शक्कर्स जब बड़ा होगा, यानी कि ये प्लांट ख़त्म हो गया, अब अपन नया प्लांट चाहते हैं यहीं से ग्रो हो, है ना, इसी से, इसे रेटोनिंग बोलते हैं अपन। रेटोनिंग का मतलब जानते हो, जो स्टोबलिया इसी प्लांट का कोई शक्कर्स है, इसी से नया प्लांट यहीं पर तैयार हो जाएगा, आपको नए सिरे से सोइंग करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये शक्कर्स बड़ा होगा, तो जब ये छोटा रहता है ना, तब इसको फूड मटेरियल की सप्लाई करने का काम करता है, ये जो ठूंठ आपका ट्रंक बचा हुआ है इस, ये जो स्टेम इसको काट रखा है, ये इस छोटे से शक्कर्स को बड़ा होने के लिए फूड मटेरियल के कुछ दिनों के लिए सप्लाई करता है, फिर ये अपने आप यहाँ से ड्राई होकर के ख़त्म हो जाते हैं, इसे अपन कहते हैं मेटोकिंग। तो मेटोकिंग क्या है कि अपन इस स्टेम को कट कर रहे हैं 1.6 मीटर की हाइट से आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ताकि अपने को गुड क्वालिटी के शक्कर्स मिलें, या फिर ये जो शक्कर्स हैं ये ढंग से ग्रो हो सके। इसके अलावा एक आपकी है जिसे अपन कहते हैं रैपिंग। रैपिंग का मतलब ये होता है कवरिंग ऑफ फ्रूट्स। कवरिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब ये है कि जैसे ये आपका स्पेडिक्स है, ठीक है, इस स्पेडिक्स को आपको कवर कर देना है, इसको ढकना है, इसे हिंदी में कहते हैं फलों को ढकना, ऐसे किसी भी आपके पास कोई भी कपड़ा है उससे ढक सकते हो, या फिर पत्तियों को लपेट के इसको ढक सकते हो, ताकि जैसे हवा तेज आए तो नुकसान नहीं हो, इसके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट वगैरह डिजीज नहीं लगे, है ना। तो ये है रैपिंग, फ्रूट रैपिंग। रैपिंग आप पोमग्रेनेट के अंदर भी पड़ेंगे, जो अनार का फ्रूट होता है उसको भी अपन बांध देते हैं, रैपिंग कर देते हैं, ताकि इसके अंदर बाद में जो अनार बटरफ्लाई नहीं लगे। तो ये रैपिंग का मतलब क्या हो गया, कवरिंग ऑफ फ्रूट्स। इसके बाद में एक अर्थिंग अप है, ये आप जानते हो,
अर्थिंग आपका सीधा सा मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना, है ना। ये जो प्लांट होता है ना, इसके जस्ट ये स्टेम के आसपास अपन ऐसा करके मिट्टी चढ़ा देते हैं ताकि ये हवा के झोंकों से प्लांट जो है नीचे डैम्प नहीं हो, इसकी टॉपलिंग ऑफ यानी नीचे नहीं गिरे, ठीक है। ये मिट्टी चढ़ाना। तो वापस देखो, ये साला दिमाग से निकल तो नहीं गया तुम्हारे, एक बार रिविजन करा देता हूँ। प्रोपिंग का मतलब क्या था? सपोर्ट देना ऐसे। डीसकरिंग का मतलब एक्स्ट्रा सकर्स को रिमूव करना। डीनेबलिंग का मतलब क्या था? हाँ, अब अपन जो है इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंप्रूव्ड वेराइटीज, वेराइटीज वेराइटी के अंदर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, हमेशा ध्यान रखना, चाहे फ्रूट्स की कोई वेराइटी हो, वेजिटेबल की हो, या किसी फ्लावर विशेष की हो, जो वेराइटी फेमस होती है या उसका कोई ना कोई विशेष करेक्टर होता है, वही वेराइटी एग्जाम में पूछी जाती है। ये आप ढंग से ध्यान रखें, ठीक है। तो सबसे पहले है ड्वार्फ कैवेंडिस, ड्वार्फ कैवेंडिस जो वेराइटी है ये, और या फिर इसके क्लोन यानी इसी ग्रुप की और वेराइटी है, ये इंडिया के अंदर 58% एरिया कवर करती है, 58% ऑफ टोटल प्रोडक्शन लगभग। यानी कि इंडिया के अंदर जितना भी बनाना होता है, सबसे ज़्यादा वेराइटी ग्रो की जाती है ड्वार्फ कैवेंडिस, इसलिए ये पूछी जा सकती है। इसके अलावा है जैसे ड्वार्फ मेजेस्टी, है ना, ड्वार्फ कैवेंडिस के साथ में ड्वार्फ मेजेस्टी भी याद रखो। अब देखो पूवन, ये जो पूवन वेराइटी है ये बनाना में एक बीमारी होती है पनामा विल्ट, तो ये पनामा विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है। पनामा विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी सुपरवाइजर के अंदर पूछा जा चुका है। एक वेराइटी है नेपुवन, पुवन के साथ में नेपुवन भी ध्यान रखें। अब है मोंथन या मंथन, मंथन के अलावा रसथली, रोबुस्टा या फिर राजापुरी, रसथली, रोबुस्टा, राजापुरी। अब इनके अलावा इधर देखो कौन कौन सी और हैं। नाइन नंबर पे है नेंद्रन, नेंद्रन जो वैरायटी है ये जनरली चिप्स वगैरह बनाने के लिए ठीक है ना, चिप्स मेकिंग, चिप्स या फिर वेजिटेबल मेकिंग। जैसे अभी देखो एक चीज़ हो रहा है, जैसे एक वैरायटी है कुनन, CUNN, कुनन जो वैरायटी है ये जनरली अपन बेबी फ्रूट बनाने हेतु या फिर फॉर वेजिटेबल पर्पज अपन देखते हैं, जो कच्चा सा जो अनराइप बनाना होता है उसकी वेजिटेबल भी अपन बनाते हैं, तो ये नेंद्रन और कुनन वैरायटी उसके लिए यूज़ की जाती है, चिप्स है बेबी फूड बनाने के लिए या फिर अपने वेजिटेबल पर्पज से। इसके अलावा जैसे वैरायटीज आपकी है कारपुरावल्ली, कारपुरावल्ली, ये कारपुरावल्ली जो वैरायटी है ये सबसे स्वीटेस्ट वैरायटी है, सबसे मीठी वैरायटी, स्वीटेस्ट वैरायटी, ध्यान रखना। कारपुरावल्ली एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन सी वैरायटीज आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने अभी पढ़ी थी पहले लेडी फिंगर, लेडी फिंगर का फीचर ये था कि ये एकमात्र डिप्लोइड वैरायटी, डिप्लोइड वैरायटी है ना। एक और ध्यान रखें गोल्ड फिंगर या गोल्डन फिंगर, गोल्ड फिंगर, गोल्ड फिंगर को अपन FHIA फर्स्ट भी बोलते हैं, FHIA फर्स्ट, गोल्ड फिंगर ध्यान रखना। गोल्ड फिंगर एक ARS का एग्जाम होता है, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा एग्जाम, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्ड फिंगर इज ए वैरायटी ऑफ या इसका दूसरा नाम क्या है, तो FHIA फर्स्ट, ठीक है। तो लेडी फिंगर और गोल्ड फिंगर दो और एक्स्ट्रा वैरायटी होगी। ये गोल्ड फिंगर एक तरह से टेट्राप्लोइड वैरायटी है। अभी अपन कुछ जीनोमिक स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ये ICR में पूछे जाने की संरचना है
कि कौन कौन से वाले जीनोमिक ग्रुप से कौन कौन सी वैरायटी बिलोंग करती हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहला ग्रुप है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए के अंदर वैरायटी आती है ड्वार्फ कैवेंडिश, या फिर रोबोस्टा। ये दोनों वैरायटी आप ध्यान रख लोगे ट्रिपल ए वाले ग्रुप में, ठीक है। ऐसे सेकेंड आपका ग्रुप है ए ए बी। इस ग्रुप के अंदर जो वैरायटी आती है जीनोमिक ग्रुप में वो है पूवन और नेंड्रन। पूवन और नेंड्रन ये दोनों कौन से ग्रुप में आ रही है? डबल ए बी के अंदर, ठीक है। तीसरा जो आपका ग्रुप है जिसे अपन कहते हैं ए बी बी, ए बी बी ग्रुप के अंदर आपको ध्यान रखना है मंथन। मंथन आपकी है ए बी बी ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप और आप ध्यान रखें ए ए ए बी यानी ट्रिपल ए बी, ये टेट्राप्लॉइड है। इसके अंदर आती है आपकी गोल्ड फिंगर। गोल्ड फिंगर, ठीक है। अब ये देखें ये चारों ग्रुप मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले ट्रिपल ए, इसके अंदर ड्वार्फ कैवेंडिश और रोबस्टा, ये जीनोमिक ग्रुप है। इन्हीं के अंदर और भी बहुत सारी वैरायटी आती है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इतनी याद हो जाए तो ये बड़ी बात है ना। तो और डबल ए बी के अंदर है पूवन या नेंड्रन, फिर ए बी बी के अंदर है मंथन और ट्रिपल ए बी के अंदर है गोल्ड फिंगर। ये वेराइटीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जैसे लेडी फिंगर है ये डिप्लोइड है, तो इसका ए बी, इसका ग्रुप है ए बी, ऐसे ध्यान रखें। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल जेट का हिसाब से तो ये है कि ये ड्वार्फ कैवेंडिश इज़ ए वेराइटी ऑफ, क्योंकि ये सबसे ईजी है ना, और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग की जाने वाली वेराइटी है। यह पूवन पहले पूछा हुआ पनामा विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, इसके अलावा मोंथन है, रोबस्टा है, ये पूछी जा सकती है। जैसे कारपुरा बल्ली स्वीटेस्ट वैरायटी है, लेडी फिंगर और गोल्ड फिंगर भी ध्यान रख सकते हैं अपन, ठीक है। और वो जीनोमिक ग्रुप आपको पूरा ध्यान रखना है। अब अपन इसके आगे बढ़ रहे हैं कि बनाना के अंदर और क्या पढ़ा जाना चाहिए। अब इसके डिजीज़ के ऊपर अपन बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ कौन कौन से हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट डिजीज़ यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन वाला ग्रुप चालू हो गया। प्लांट प्रोटेक्शन के अपन अंदर अपन देखते हैं डिजीज़ है, इंसेक्ट पेस्ट वगैरह। तो इम्पोर्टेंट डिजीज़ में सबसे पहले है पनामा विल्ट, है ना। पनामा विल्ट अपन देख ही चुके हैं पहले, एसिडिक सॉइल में ज़्यादा होता है। इसका पैथोजन है फंगस, फंगस से होने वाली बीमारी है, और उस फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस। स्पीसीज है उसकी क्यूबेंस, क्यूबेंस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस स्पीसीज क्यूबेंस, ठीक है। अब इस डिजीज में आपको और क्या ध्यान रखना है कि ये बीमारी एसिडिक सॉइल में होती है, यानी कि मोर इन एसिडिक सॉइल, कि एसिडिक सॉइल के अंदर ये बीमारी ज़्यादा होती है। सेकंड जो है, अब एसिडिक, अब इसमें मैनेजमेंट कैसे करोगे, मैनेजमेंट इस बीमारी कैसे करोगे? अगर एसिडिक सॉइल में ज़्यादा हो रही है तो इस एसिडिक सॉइल को अगर आप ठीक कर लेते हो, अमेल्योरेट कर लेते हो, तो ये ऑटोमेटिक बीमारी ठीक होने की संभावना है। तो एसिडिक सॉइल को ठीक करने के लिए अपन चूना मिलाते हैं इसमें, है ना। तो अपन क्या करेंगे, लाइम अप्लाई करेंगे, तो लाइम कर देना है अपने को। अब एक इलाज इसका क्या है कि रेजिस्टेंट वैरायटी लगाओ जिसमें ये बीमारी लगे ही नहीं, रेजिस्टेंट वैरायटी। तो रेजिस्टेंट वैरायटी अपन ने कौन सी देखी, पूवन। हालांकि ड्वार्फ कैवेंडिश भी रेजिस्टेंट है लेकिन पूवन हर बार पूछी जा रही है ना, ये सुपरवाइजर 2015 के अंदर पूछी गई वैरायटी है पूवन, जो है आपके पनामा विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है 2013 के अंदर पूछा हुआ। अब ये पनामा विल्ट में आप फील्ड के अंदर देखोगे तो इसके सिम्टम्स क्या है, यानी कि अगर आप प्लांट को किसी ओचार्ड में चले गए, जैसे बगीचा लगा हुआ है बनाना का, तो उसके अंदर दूर से अपन देखते हैं ना, तो कुछ एक प्लांट ऐसे होंगे जिनमें पार्शियली ड्राइनेस आ रखी है, यानी कि पार्शियली डेड है वो, मतलब कुछ कुछ हल्के हल्के से मरे हुए प्लांट है, और कुछ है जो पूरे के पूरे येलो हो गया है, पूरा का पूरा प्लांट और पूरा सूख गया है ना।
तो ऐसा है, ये पहले पार्शियली इनमें होती हैं और फिर ये कंप्लीट जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अपने आप। तो ये बहुत ही खतरनाक है। इस केस में अपने को क्या करना होता है, फिर उस पूरे प्लांट को अपरूट करके उसको जलाना होता है या मिट्टी में दबाना होता है, और वो जो गड्ढा रह जाता है वहाँ पे अपने को चूने के गोल से पानी भर देना है वहाँ पे, ठीक है, कुछ दिनों तक। फिर वहाँ पे आपको गैप फिलिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम के अलावा पनामा विल्ट ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़। सेकेंड है इसके अंदर सिगाटोका लीफ स्पॉट, सिगाटोका लीफ स्पॉट। कई बार सीधा का सीधा ये लोग सिगाटोका ही देते हैं तो ऐसे नहीं पता ही नहीं चले सिगाटोका क्या है। तो सिगाटोका लीफ स्पॉट भी फंगस से होने वाली बीमारी है, ठीक है, और उस फंगस का नाम है सर्कोस्पोरा या फिर माइकोस्पेरिला, माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला, है ना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला, ये एक प्रकार का फंगस है जिससे ये डिजीज़ होता है लीफ स्पॉट, है ना, पत्तियों के ऊपर धब्बे वाला लीफ स्पॉट, ऐसे पत्तियों के ऊपर धब्बे हो जाते हैं छोटे छोटे, ये लीफ स्पॉट है। इसके अलावा जो डिजीज़ है वो है आपका बंची टॉप, बंची टॉप बनाना का सबसे सीरियस और डिवास्टेटिंग डिजीज़ है, है ना, वन ऑफ द सीरियस डिजीज़ यानी सबसे खतरनाक बीमारी है इसकी। बंची टॉप वायरस, इसको पूरा बोलते हैं बंची टॉप वायरस, इसको ऐसे पूरा ही बोलोगे तो बाद में लफड़ा नहीं पड़ेगा कि भाई कि बंची टॉप किससे होता है, वायरस से होता है फंगस से होता है, इसको पूरा ऐसे याद रखो बंची टॉप वायरस, तो ये वायरस से ही होता है, ठीक है। बंची टॉप वायरस जो है ये सबसे खतरनाक बीमारी है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे नोटोरियस बीमारी है ऐसा समझो। इसे जो फैलाने का काम करता है यानी कि इसका जो वेक्टर है, ध्यान रखना कि वायरस कभी अपने आप नहीं फैलता, उसको कोई ना कोई फैलाना चाहिए, ट्रांसमिट करने वाला बंदा चाहिए, ठीक है, यानी कि वेक्टर चाहिए, तो वो वेक्टर है आपका एफिड, बनाना एफिड, एफिड, और उस एफिड का नाम है पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा, ये इस एफिड का नाम है ध्यान रखना, जो इस बंची टॉप वायरस को फैलाने का काम करता है। इस बंची टॉप के सिम्टम क्या है, टॉप का मतलब ऊपर वाला पोर्शन ये वाला, और बंची का मतलब ऐसे क्लस्टर में बंच फॉर्म में ये जो लीव्स डेवलप हो जाती है, ऐसे ये जो पत्तियां देख रहे हो इनके बंच बन जाएगी छोटी छोटी सी, ये बड़ी पत्तियां हैं, ये बीच में जो टॉप वाला पोर्शन है ये बंच जैसा हो जाएगा पूरा का पूरा, और इसके अंदर ये फील्ड जो है पूरा का पूरा खेत बहुत ही कम समय के अंदर खत्म हो जाता है, ये सबसे खतरनाक इसीलिए मैंने बोला। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डिजीज हैं वो चाहें तो आप याद रख सकते हैं, जैसे एक होता है मोको डिजीज, है ना, पूछा जाए क्वेश्चन तो ध्यान रखना, मोको डिजीज़ किस में होता है, तो ये बैक्टीरिया से होता है और ये बनाना के अंदर होता है। एक और डिजीज है कोकन, है ना, तो ऐसा कोकन डिजीज़ किस में होता है, तो ये वायरस से होता है और बनाना के अंदर होता है, एक्स्ट्रा है ना, मोको डिजीज़ और ये आपका कोकन जो है ये वायरल है, ठीक है। बंची टॉप को कई बार केबेज टॉप भी कहते हैं, केबेज टॉप भी कह देते हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना, मोको और ये भी बनाना के अंदर ही होने वाले डिजीज है। अब इनके अंदर हालांकि कोई इंसेक्ट बहुत फेमस नहीं पूछा जाता, बट एक इंसेक्ट आप याद रख सकते हो, है ना, वो है राइजोम वीविल, राइजोम वीविल, ये जो राइजोम वीविल है इसे कहते हैं अपन कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस DUS, है ना, तो ये राइजोम को नुकसान पहुंचाता है, अंदर ही अंदर खाता रहता है, तो राइजोम वीविल का नाम है कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस, ये भी इसके अंदर। इसके अलावा एक बैरोइंग निमेटोड और लगता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसकी हार्वेस्टिंग करके अपन इसको स्टोरेज कर लेते हैं, है ना, तो स्टोरेज करते समय जो टेम्परेचर चाहिए वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 90-95% के आसपास, ऐसे मामले में बनाना के फ्रूट्स को लंबे समय तक स्टोर करें ताकि वो ख़राब नहीं हो,
उसके लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम है 13 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 13 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ICAR के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और अपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90-95% मेंटेन करनी होती है, ठीक है। अब इसका कितना प्रोडक्शन होता है, कितनी उपज होती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। डिजीज़ अपन ने पनामा विल्ट देखा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा पनामा विल्ट इज़ ए डिजीज़ ऑफ, तो बनाना करना है। फंगस से होता है, फंगस का नाम फ्यूजेरम ऑक्सिसफॉर्म क्यूबेंस है। सीगाटोका लीफ स्पॉट फंगस से होता है, माइकोस्फेरिला म्यूसिकोला। बंची टॉप वायरस है, वायरस को फैलाता है एफिड पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। इसके अलावा कोकोन या फिर ये कोकन या फिर मोको डिजीज़ ये भी है, ठीक है। तो ये तो था गाइस बनाना। तो आप बनाना को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। एक दो बार पढ़ने पर चीज़ें याद हो जाती हैं, और नोट्स भी पढ़ते रहें साथ में, तभी यह दिमाग में स्थायी रूप से जो है चीज़ें सेट होगी, है ना। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।